पग पग प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल। दोस्तों नमस्कार नमस्कार मेरे बेटे, जय माता दी जय माता दी जय माता दी। बेटे चैप्टर 9 चैप्टर 9 पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा जय माता दी करता जा। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी। बेटे माँ को याद करना चाहिए, करना पड़ेगा। बेटे एक एक कदम किस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और बेटे किस तरह से हमारा ये सिलेबस कवर होता जा रहा है। आज चैप्टर 9 शुरू कर रहे हैं, आज लेक्चर 1 है बेटे, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। चैप्टर का नाम है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर ऐसा है, अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया हुआ है या डेरिवेटिव्स किया हुआ है, रिस्क हेजिंग टूल्स, तो आप समझ लीजिए आपके बाएं हाथ का खेल है ये चैप्टर। बेटे 9 चैप्टर से लेकर मैं आपको बताऊं 9th 10th 11th 12th और 13th। बेटे अब हमारे 5 चैप्टर्स रह गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। बेटे कॉर्पोरेट गवर्नेंस 3 से स्टार्ट हुआ था और जैसा मैंने बताया था 13 तक है। वो बेटे इसमें जो टेक्निकल चैप्टर्स थे, टेक्निकल स्टडीज थी, वो 8 तक ही थी। जैसे चैप्टर 3 कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, चैप्टर 4 लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, चैप्टर 5 बोर्ड इफेक्टिवनेस, चैप्टर 6 बोर्ड कमिटीज, चैप्टर 7 शेयर होल्डर राइट्स, चैप्टर 8 स्टेक होल्डर्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में खत्म कर दिया। बेटे आप ये मानिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जान हमने निकाल ली। अब तो बेटे जो रह गया फॉर्मेलिटी है। बेटे फॉर्मेलिटी है, आपको लगेगा मजाक हो रहा है आपके साथ, इतने सारे जल्दी जल्दी ये चैप्टर्स हो जाने, पता भी नहीं चलेगा। बेटे लाइफ में कितनी सारी चीजें पता भी नहीं चलती, हो जाती है बस उन्हीं में से। चैप्टर 9 चैप्टर 10 चैप्टर 11 चैप्टर 12 और चैप्टर 13। बेटे आइए जल्दी से हम आज बेटे चैप्टर नंबर 9 को रजिस्टर में स्वर्ण अक्षरों में लिख डाले। बेटे बेटे गोल्डन वर्ड्स में लिख दे, चैप्टर का नाम है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। आइए मेरे बेटे, आइए मेरे बच्चे, मेहरबान कदरदान, आज हम शुरू कर रहे हैं। बेटे नए लेक्चर का नए चैप्टर का नाम है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। बुक खोल लीजिए, जबकि मैंने आज ज्यादा बुक से कराना नहीं है, फिर भी एक बार पहले पेज से कंसेप्ट तो देख लें। बेटे अपने सामने बुक खोल लीजिए, स्टडी खोलने की जरूरत नहीं है। बस बेटे ध्यान से मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना है और मैं जो कहने वाला हूं उसको समझना है। मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल्स दूंगा, मैं आपको रियलिटी की बातें करूंगा। बेटे रिस्क मैनेजमेंट में तो मैंने पीएचडी की हुई है, इंटरनल कंट्रोल ऑडिट के लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में इतने सारे डाले हैं, एग्जीक्यूटिव में सीए इंटर में। तो बेटे ये तो बाएं हाथ का खेल है, आप समझ लीजिए, बस आप ध्यान से बैठे, बाकी की बातें छोड़ दें, कमर सीधी रखनी है, कमर सीधी। बेटे आज ही ये चैप्टर का एक लेक्चर तो देख लें, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। आपने सुना होगा ये कहावत, बेटे यहीं से रिस्क झलक रहा है। कल करे सो आज कर, जो कल कर रहे हैं वो आज कर ले और जो आज करना है अब कर ले। क्यों? क्योंकि पल में कभी भी परले हो सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, सुनामी आ सकती है, हुदहुद तूफान आ सकता है, डोरी बेवकूफ करेगा कब। बेटे रिस्क मैनेजमेंट की झलक इस कहावत में चमकती है। आइए जी आइए जल्दी से मेरे बच्चे,
चैप्टर 9 रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, इस चैप्टर को बेटे मैं 5 में से 6 स्टार्स देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि बेटे ये रियलिटी में ही बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपकी रियल लाइफ में बड़ी मदद करने वाला है। जब आप छोटे थे ना और जब आप स्कूल में थे तो बेटे 20 में से 25 नंबर आते थे आपके। एक बच्चा कहता कैसे आ सकते हैं बेटे, सारा पेपर ठीक और हैंडराइटिंग भी बड़ी प्यारी, तो 5 नंबर हैंडराइटिंग के, 20 नंबर पेपर के, बेटे 25 हुए नहीं हुए। इसी तरह से 5 में से मैं इस चैप्टर को 6 स्टार्स देने वाला हूं। और बेटे आपके पेपर के लिए 10 से 12 नंबर का तो आप ये यकीन मान लीजिए बेटे 1 करोड़ 1% आएगा। यही सत्य है। सुनो ध्यान से सत्य को, वो रियलिटी में आपकी लाइफ को मदद करने वाला यार रिस्क मैनेजमेंट। आज आप किसी भी कंपनी को देखो तो रिस्क दिखता है। चलिए जल्दी से बुक ओपन कीजिए, बड़े बुक ओपन कर लेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर में लगभग 5-6 कंसेप्ट हैं। जैसे मैंने आपको कहा बेटे चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 टुच्ची उच्ची छोटे मोटे आलू फालू जैसे चैप्टर से बेटे 4-5 कंसेप्ट में काम हो जाएगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हिम्मत से काम करना है, दम धराते हुए चलना है। बेटे बेटे तूफानों बेटे आपने सुना था वो टाइटैनिक की कहानी सुनिए, जहाजों को जो गिरा दे उसे तूफान कहते हैं। सुनना ध्यान से, जहाजों को, टाइटैनिक शिप, लाइफ ऑफ द पाई देखी थी, लाइफ ऑफ द पाई या टाइटैनिक शिप देखी थी बेटे, जहाजों को जो गिरा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। बेटे आपने दिसंबर जून में तूफानों से टक्कर लेनी है। गाड़ के आना झंडा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बेटे 100% आपने पास होना है, दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन से बोल लीजिए, बस मन में सोचिए ये बार, इस बार आप ही की बार है। आइए इन्हीं बातों के साथ बेटे मैं इस चैप्टर के आपको कंसेप्ट अपनी बुक में देखा हूं। तो मैंने 5 कंसेप्ट लिखे, 15 क्वेश्चंस हैं और बेटे लगभग 25-26 फ्लो चार्ट और इमेजेस हैं। उम्मीद है कि आपने रजिस्टर एक बना लिया होगा जिसमें इमेजेस, जिसमें फ्लो चार्ट, जिसमें डायग्राम्स ही लिखते हैं, और उस रजिस्टर का नाम लिख लिया होगा डायग्राम वाला रजिस्टर। आइए बेटे आइए डायग्राम वाले रजिस्टर की तरफ बढ़े, आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे लाल, हम कदम से कदम आगे बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर को एक यादगार के रूप में सुन लेंगे। आइए दोस्त, आइए मेहरबान कदरदान, मैं बोलता आप मेरी बात को ध्यान से सुनती, मैं ये कहती कि आप अपने घर में अभी बैठती, आपको आप अपने घर में अपने स्टडी रूम में बैठती, अभी भी आपको रिस्क होती, क्या पता अचानक अर्थक्वेक आती, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग रूम में लेक्चर लेती मुझे डर होती, क्या पता अचानक अर्थक्वेक, सुनामी, कुछ साइक्लोन आती और मैं मर जाती, आप भी मर जाती, सब मर जाती। एक बच्चा कह रहा सर अगर आप स्पेशली आराम स्पष्ट भाषा में बोले तो ज्यादा समझ आएगा। बिल्कुल बेटे क्यों नहीं बोलूंगा, आपने कहा और मैं मानू ना, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। मैंने आपको प्यार किया है, प्यार किया तो डरना क्या। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बता दीजिए आपके हिसाब से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क। रिस्क होता ही क्या है भाई साहब, मैं अब आपसे पूछूंगा और उससे पहले मैं 1 मिनट के लिए भगवान को याद करूंगा। बेटे आज पहला लेक्चर है, ध्यान से बेटे भगवान को याद करना है, तब तक आप रजिस्टर खोलिए। Thank you.
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बेटे कोई भी नया काम करे, आपको भगवान या अपने माता पिता को बेटे सबसे पहले हमें याद करना चाहिए, उस काम में बरकत पड़ती है। अब जैसे आपने देखा होगा, कभी भी मैं नया चैप्टर शुरू करता हूँ तो उस दिन भगवान को जरूर याद करता हूँ। बाकी आगे उस लेक्चर्स में करूँ ना करूँ उस चैप्टर के, लेकिन पहले लेक्चर में नए चैप्टर के बेटे मैं भगवान को याद करता हूँ, उससे भगवान की बरकत पड़ती है। पेरेंट्स को याद करता हूँ, बेटे मुझे आशीर्वाद मिलता है, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है और नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए कंसेप्ट आते हैं, नए नए एग्जाम्पल्स आते हैं, नई नई इमेजेस आती हैं और मैं आप तक कम्युनिकेट कर पाता हूँ। बेटे मजे की बात देखो, मैं इतनी दूर हूँ, लोगों को फेस टू फेस में समझ नहीं आता, आप मेरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में फेस टू फेस से ज्यादा समझ पाते हो। आपको लगता है भूपेश आनंद कैमरे से बाहर आ जाएगा और आपकी गर्दन पकड़ लेगा, आपकी झुकी कमर में डंडे मारेगा और आपकी कमर को सीधा कर देगा। बेटे इससे बड़ी चीज मेरे लिए क्या हो सकती है? खुशी। मैं खुश हूं क्योंकि आप खुश हो। If you are happy, then I am happy. आइए इन्हीं बातों के साथ मैं आपको स्पष्ट अक्षरों में बताऊं कि रिस्क का मतलब क्या हो सकता है। बेटे कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट को क्या समझाना है? मुझे एक चीज बता दीजिए, आप दिसंबर, आप जून में पेपर दे दें और आपका रिजल्ट 25 अगस्त या 25 फरवरी को बेटे आ जाता है। अब एक बच्चा कह रहा है दिसंबर का रिजल्ट ना जल्दी आता है और जून का रिजल्ट थोड़ा लेट आता है। हाँ बेटे वो ठीक है, बात आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। आलतू फालतू बातों में जाते हो बेटे। बेटे अर्जुन को जब कहते थे ना गुरु द्रोणाचार्य की, अर्जुन क्या नजर आ रहा है? अर्जुन कहता था, गुरुदेव मुझे तो बस चिड़िया की आंख ही नजर आ रही है गुरुदेव, और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बेटे इतने फोकस होकर चलना है। आइए मैं आपसे ये कहता हूं कि रामलाल आप नहीं है, ये रामलाल है, इसने पेपर दिए और अपना कुछ नंबर एक्सपेक्ट किए कि भाई इस दिन ये नंबर आ सकते हैं। अब आप ये बताइए बेटे, 25 अगस्त या 25 फरवरी को सुबह 10 बजे के आसपास कुछ घटनाएं घटित होंगी, कुछ ना कुछ घटना घटेगी और जो रामलाल ने सोचा है, वो जो घटना घटी, जो एक्सपेक्ट किया है, जो एक्सपेक्ट किया और जो एक्चुअल हुआ, उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। रामलाल ने एक्सपेक्ट किया कि मैं पास हो जाऊंगा, इस क्वेश्चन में इतने नंबर तो जरूर मिलेंगे, इसके इतने नंबर तो आएंगे, लेकिन बेटे हकीकत कुछ और होती है। आप कुछ सोचते हो और होता कुछ और है। तो बेटे जो आप सोचते हो और जो हकीकत में होता है, उसी का तो नाम है रिस्क। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की भाषा में बताऊं तो एज ए इन्वेस्टर, रिस्क का मतलब है जो रिटर्न एक्सपेक्ट किया था इन्वेस्टर ने फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, वो रिटर्न ना मिले, कम मिले या ज्यादा मिले। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न, इज रिस्क फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। बात को आप समझना। स्टूडेंट के लिए क्या है रिस्क? रिस्क इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट एज ऑन 25th फरवरी एंड 25th अगस्त। रैंडेक्सी के लिए क्या, फेविकोल पिडिलाइट के लिए क्या, इंफोसिस के लिए क्या जिसका सारा धंधा डॉलर्स में है, विप्रो के लिए क्या, टाटा मोटर्स के लिए क्या? बट रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। रिस्क एक इवेंट के हैपनिंग या ना हैपनिंग की अनसर्टेनिटी को कहते हैं रिस्क। बेटे आप याद कीजिए उस दिन रात को,
बच्चे को नींद आ रही थी, वो खड़ा हुआ, कहता कौन सी रात को? बेटे उसी रात जब टाइटैनिक की शिप अंधेरे में बेटे पूरे सागर में बस चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, और अचानक टाइटैनिक जो 5 स्टार से भी कम नहीं थी बेटे ऐसी शिप, उसका इंजन बर्फ में अटक गया। सुनना सुनना सुनना, अंधेरी रात, दूर दूर तक अंधेरा और बस पानी ही पानी, पानी ही पानी, और वो इंजन अटक गया बेटे बर्फ में, और धीरे 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 बेटे वो शिप, टाइटैनिक शिप जिसका नाम था, उसमें इतने धनी लोग थे, सब के सब मर गए, कुछ बचे होंगे, कुछ बचे भी। बेटे क्या उन धनी धनी लोगों ने जो यूरोपियंस थे, क्या उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था? तो बेटे इस घटना का घटित होना, बेटे कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। आप मेट्रो में जाते हैं, क्या पता मेट्रो का एक्सीडेंट हो जाए, आप किसी बस में चढ़ते हैं, क्या पता बस ड्राइवर ने रात को शराब ज्यादा पियो, क्या आप पूछते हैं उससे कि रात को शराब तो नहीं पी, सब ठीक ठाक है? नहीं बेटे। आप सड़क में चलते हैं तो बेटे कोई आपको चलते चलते पैदल ही टक्कर मार जाए स्कूटर से, बेटे कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा कहता मुझे डर लगता है, मैं तो बाहर ही नहीं निकलूंगा, मत निकलो, सीएस के पेपर मत दो, बीकॉम पास कर लो, चैंपियन पढ़ लो, कभी फेल होगे नहीं। बेटे अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क इज डायरेक्टली रिलेटेड विद रिटर्न। आप बताइए, आप सीएस कर रहे हैं, आपको अगर ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए तो बीकॉम पास कर लीजिए ना भाई साहब। किस डॉक्टर ने बोला सीएस करना है? अपने रिश्तेदारों की बातें सुननी है, 25 अगस्त 25 फरवरी को रिजल्ट की इंतजार करनी है, फिर फेल होना है, फिर पास होना है, फिर फेल होना है, फिर पास होना है, किसने बोला है? फिर ट्रू कॉपी निकलवाओ, फिर रिवॉल्यूशन करवाओ। मैं आपको टाइटैनिक शिप का वही वीडियो दिखाने वाला हूं। बेटे मैं रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल में ऐसी ऐसी प्रैक्टिकल बातें आपको बताऊंगा कि आपकी बॉडी के रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आपको लगेगा यार ये तो हम खुद ही करते थे। इस दुनिया में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है मुझे इतना बता दीजिए जो रिस्क बियर नहीं करती, चाहे वो स्मॉल है बेटे, चाहे वो मीडियम है, और बेटे चाहे वो लार्ज है। बेटे चर्चा शुरू हो चुकी है, अब आपने देखना है कि कितने ध्यान से आप बैठते हो बेटे, और चर्चा के बिल्कुल अहम पॉइंट पे हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आपका ध्यान इसी चर्चा पे रहना चाहिए। बंद कर दीजिए अपने मोबाइल फोन्स, आग लगा दीजिए व्हाट्सएप को, और आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। मैं आपके सामने भूपेश आनंद खड़ा हूं, मैं चैप्टर 9 करा रहा हूं। चैप्टर 9 का नाम है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। मैं आपको रिस्क के लॉजिक्स बता रहा हूं कि रिस्क क्या है, डर क्या है, और सभी को डर लगता है। मजे की बात, स्मॉल एंटिटीज, मीडियम एंटिटीज, लार्ज एंटिटीज, बेटे एक छोटी सी प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसको भी रिस्क है, चाय की दुकान है यार उसको भी तो रिस्क है। वो जो चाय बना रहा है उसका, उसमें उस चाय बनाते बनाते मान लेते हैं कि उसमें उसमें छिपकली गई और उसने ध्यान नहीं दिया और सबने पी ली और सब मर गए, तो बेटे कल उसको जेल में जाना पड़ सकता है। मीडियम लार्ज इंफोसिस, मैं लार्ज की बात करूं बेटे, जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। आप बताइए जीएसटी जैसे ही एप्लीकेबल हुआ,